हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं एपीजेल के बारे में। दोस्तों, एपीजेल को कौन कौन से कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट एपीजेल के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, एपीजेल के इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, एपीजेल की बात करें तो इसको H&H फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। प्राइस की बात करें दोस्तों, 154 रुपीज़ की इस पर MRP होती है। 10 ग्राम की पैकेजिंग में ये आता है। इंग्रेडिएंट की बात करें दोस्तों, इसके अंदर एडाप्लेन 0.1% बेड बाय बेड इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, इस एपीजेल का मेनली जो इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर की एडवाइस पर, यदि किसी के चेहरे पर दोस्तों छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं मुहासे, तो उनको ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा इसको दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि किसी के ब्लैक हेड्स हैं तो उनको ठीक करने के लिए भी दिया जाता है, और वाइट हेड्स को भी रोकने के लिए इसको दिया जाता है, जिससे कि आपके जो वाइट हेड्स हैं वो बने ना। दोस्तों, आपकी स्किन पर अत्यधिक तेल के उत्पादन को भी रोकता है ये। यदि आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो उसके उत्पादन को भी दोस्तों ये रोकता है। साथ ही दोस्तों, सूजन को कम करके जो आपके रोम छिद्र होते हैं उनको साफ करता है। तो इन सभी कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा इस एपीजेल को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, इसकी डोजेस की बात करें तो सुबह और शाम इस एपीजेल को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। दोस्तों, इस जेल को 10 से 15 दिन रेगुलरली इस्तेमाल करने से आपकी जो भी समस्या है बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से आपकी त्वचा ड्राई हो सकती है, आपकी त्वचा पे दाने आ सकते हैं, और आपकी त्वचा पे हल्की जलन भी हो सकती है। दोस्तों, ये इसके एपीजेल के इस्तेमाल करने से ये कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो इस किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, दवाई से जुड़ी छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।